हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिवली सोच रहे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज के लिए है, लेकिन आज थोड़ी डिफरेंट रीडिंग कि आज मैं करना चाहूँगी कि यू वर्सेस थर्ड पार्टी, आप में से मतलब दोनों के लिए, आपके पार्टनर के बीच मन मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं, क्या है एग्जैक्टली मन में क्या चल रहा है, ये कार्ड की एनर्जीज क्या बता रही है जानना चाहेंगे। तो राइट साइड में मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी और लेफ्ट साइड में मैं थर्ड पार्टी के लिए। तो देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके सामने मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने पहले से कार्ड निकाल के रखे हुए। बॉटम ऑफ डेक है टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपकी पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से वो द्विधा मनस्थिति में मुझे दिख रहे हैं। आपके लिए कार्ड्स, थोड़ा दूर रखती हूँ थर्ड पार्टी को आपसे। आपके लिए कार्ड्स मून, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफंट। और थर्ड पार्टी के लिए आया है टेन ऑफ कप्स, द चैरियट, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, डेथ और फोर ऑफ कप्स। तो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, जो इमोशंस हैं उनके दिल में, वो काफ़ी हद तक दिल में छुपा के बैठे हैं। आपके लिए जो फीलिंग्स है, हर चीज़ आपसे छुपा रहे हैं, आपसे काफ़ी ज़्यादा बातें छुपा रहे हैं, चेहरे पे दिखाते कुछ है और अंदर कुछ है, ऐसा फीलिंग मतलब जिस तरह से कार्ड की एनर्जी है। और अगर आप देखेंगे कि नाइन ऑफ कप्स, वो आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, कि जैसे कि आप उनकी विश हो और अभी फ़िलहाल आपके लिए बहुत ही अंदर ही अंदर एक उथल पुथल चल रही है उनकी, कि आपके बारे में या रिश्ते के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी मतलब जल्दबाजी में, स्पेशली इस मोमेंट पे आपकी तरफ आने की या आपसे कम्युनिकेट करने की, आपसे बात करने की बेहद मतलब एक खिंचाव सा एकदम अजीब फील होता ना, जैसे कि अचानक से बहुत ज़्यादा अलग याद आती है, वैसी फीलिंग भी है। और आपकी तरफ आने की पूरी कोशिश, जैसे कि एकदम फास्ट भी है, और आपको मनाने के लिए या आपके पास आने के लिए, सपोज़ कोई रिश्ता नया है तो ऑफ़र देने के लिए, जैसे कि आपके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह भी ला सकते हैं, जैसे कि फूल हो गए, कुछ भी, बट एक सॉलिड ऑफ़र तो वो है, करने की भी कोशिश चल रही है। और कुछ लोगों के इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं आपके वजह से और सब कुछ। और कुछ हद तक मुझे कुछ लोगों के केसेस में मैरिज का भी चांसेस दिख रहे हैं। तो ये है आपके लिए फीलिंग। और अगर टू ऑफ स्वॉर्ड अगर उनकी एनर्जी पकड़े सपोज, तो जैसे कि दो तलवारें हैं, और अगर इंसान आप देखोगे तो
दो तलवारें सेम टू सेम और सब कुछ, मतलब द्विधा पूरे मन से थी कि चुनाव करना मुश्किल ऐसा वाला सिचुएशन है तो। लेकिन अगर विश फुलफिलमेंट की बात करें तो वो आपकी तरफ झुकाव ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। और थर्ड पार्टी का इसमें आप देखेंगे कि उनमें उनमें भी बहुत डिफरेंसेस है। वो बहुत अपने अगर टेन ऑफ पेंटिकल्स और टेन ऑफ कप्स का बात करें तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफ़ी लोगों के शादी, मतलब काफ़ी लोग मैरिड हो सकते हैं या उनसे शादी, मतलब थर्ड पार्टी से शादी में बंधे हुए हैं या बच्चे वगैरह भी है, सब कुछ है। जब उन्होंने थर्ड पार्टी से रिश्ता बनाया था या कुछ भी है, तभी मतलब बहुत अच्छा था कि शादी के बारे में और बच्चे वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन आप अगर खुद देख पाओ कि डेथ का कार्ड आया है तो रिलेशन ख़त्म होता नज़र आ रहा है, अगर कार्ड्स की एनर्जी बता तो। और उनको ऐसा लगता है कि जो वो सोच रहे थे, जिसके लिए ये सब चीज़ किया गया, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए और वो सब है, मतलब जिनको वो मतलब आपके लिए जो थर्ड पार्टी एक्चुअली उनके लिए सपोज वो पर्सन था, तो अभी वो वैसा नहीं फील कर रहे, बहुत उदास फील कर रहे कि शायद उनके खातिर आपको मिस कर दिया गया, वो ऐसे सोचते हुए नज़र आ रहे। और काफ़ी ज़्यादा अगर टू ऑफ स्वॉर्ड और हैंगमैन, तो उनके रिश्ते में मतलब सब कुछ चीज़ें जैसी अटकी पड़ी है, कुछ मतलब कुछ मूवमेंट नहीं। अगर मूवमेंट दिख रहा है, मूवमेंट दिख रहा है, सेल्फ कंट्रोल्ड और वो सब अपने आप में बैलेंस अगर दिख भी रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो मूवमेंट इस तरफ है, तो मूवमेंट डेथ की तरफ है, क्योंकि रिश्ता टूटने की कगार पे है। क्योंकि उनके रिश्ते में पूरी तरह डेथ हो रही है या होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है ना, डेथ इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। लेकिन बहुत अगर आप देखेंगे कि अगर शादी है उनके थर्ड पार्टी में, तो चांसेस बहुत है कि वो टूटने की या कुछ है, क्योंकि या तो वो पूरी तरह से वो रिश्ता भले वो कागज़ पे नहीं बट जैसे इमोशनल लेवल पे ख़त्म होने का दिख रहा है, बट ये जो सिचुएशन में कार्ड की एनर्जीज की बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ यही चीज़ रेजोनेट हो, तो पर्सनल रीडिंग में ही ये सब बातें क्लियर होती हैं। तो ये थी यू वर्सेस थर्ड पार्टी, मैं देखूँगी वो किस एनर्जीज में है। डेस्टिनी, मिराकल, गेट, रिन्यूअल, पैशन, एंड इंस्टिंक्ट। और बॉटम ऑफ डेक है सोलमेट, क्योंकि उनकी अगर इंस्टिंक्ट है, मतलब अंदरूनी आवाज़ जो बोलते ना, एक आत्मा की आवाज़, वो उनका वो उनको सोलमेट के लिए पुकार रही है। तो जो भी उनके सोलमेट है उनके तरफ उनका झुकाव बहुत ही ज़्यादा होने की संभावना है। आप अगर देखें तो एक अंदर से जो आवाज़ निकलती है उसकी वजह से उनको बहुत ही गिल्ट फील हो रहा है। ऑब्वियसली गिल्ट इसलिए फील होता है, तो आपने कुछ गलत किया होगा या कुछ खोया होगा, तो आप गलत की खोया होगा तो दुख होगा, बट गलत करने का एक गिल्ट फील होता है ना, वो है उनको। और अपने पैशंस फॉलो करने की, शायद पैशन मतलब अपना एक ऐसी चाह जो अपने लिए खास फील हो, तो वो फील कर रहे, तो वो है। और जैसे कि डेथ और रिन्यूअल का प्रोसेस ही है अगेन, कि नई शुरुआत, सब कुछ नए से चाहते हैं हर चीज़, तो वो है। और डेस्टिनी के ऊपर पूरा विश्वास, मतलब नसीब के ऊपर पूरा भरोसा है, कि शायद भगवान भरोसे, मतलब पूरे तरह भगवान भरोसे पे है कि न जो भी मैंने गलत किया है, तो अगर वो इस फॉरगिवनेस का कार्ड नहीं आया है, बट अगर वो उसकी उस चीज़ की माफ़ी मांगते हैं भगवान से,
तो हर चीज़ भगवान उनके झोली में मतलब डाल सकता है या जो भी है, वो ऑब्वियसली ये भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डेस्टिनी और के ऊपर पूरा विश्वास कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइफ में उनके कोई चमत्कार हो, भी चमत्कार हो वो चीज़ के लिए, कि अगर वो उनके सोलमेट उनको नजर आए, क्योंकि जिस तरह से वो बहुत ही द्विधा मनस्थिति में फील हो रहे, तो कोई चमत्कार के ही वेट कर रहे। तो ये थी उनकी एनर्जीज। तो आपके लिए मैसेजेस में चेक करना चाहूँगी कि आपके लिए मैसेजेस क्या है। आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट यू, वो आपको भुला नहीं पा रहे। DF या DM, वो आपको डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मस्कुलिन मानते हैं। वर्किंग ऑन फाइनेंसेस, वो अपने पैसे के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। यू आर माई लकी चार्म, वो आपको बहुत लकी समझते हैं। क्राइंग फॉर यू, आपके लिए लिटरली रो भी रहे। कंपैटिबल, आपको आपको परफेक्ट, आप अपने लिए बहुत परफेक्ट मानते हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हो। फैमिली इश्यूज, कुछ लोगों में थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, तो फैमिली इश्यूज भी है। ट्विन फ्लेम, यहाँ से सोलमेट और यहाँ पे ट्विन फ्लेम, तो मतलब बहुत ही डीप लेवल का कनेक्शन वो फील करते हैं। अगर करते नहीं है तो कर रहे हैं या करेंगे इन फ्यूचर। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, तो फाइनेंस का भी एक प्रॉब्लम है कि थर्ड पार्टी फाइनेंस भी देख सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो फाइनेंस कुड बी मतलब थर्ड पार्टी हो सकती है। तो फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस सी पैसा बहुत कुछ सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। कि सपोज उनको नया रिश्ता है, तो अगर फैमिली के अगेंस्ट आपके लिए खड़ा होना है या किसी भी सिचुएशन से निकल के आपके पास आना है, तो पैसा तो चाहिए ना, तो वो सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। तो थर्ड पार्टी फाइनेंसेस भी हो सकते हैं कि उस वजह से वो बहुत स्टक फील कर रहे हो। और जहाँ तक ये जो रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट हो, बट जो भी रिश्ते में, जैसे कि मैं थर्ड पार्टी के लिए निकालूँ तो डेथ का आया है, तो डेफिनेटली रिश्ते में कुछ ना कुछ तो बदलाव आने की पूरी संभावना है। और जिस तरह से चैरियट का कार्ड मुझे बार बार दिख रहा है रीडिंग्स में, मतलब काफ़ी हद तक रिपीट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कुछ तो कमिंग सून है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि जो लोग अपने आप पर इनर वर्क करें। और सेकेंडली, कि अगर ये रिश्ता, ये पर्सन आपके नसीब का है, मतलब सच में ये आपका सोलमेट है या आपका ट्विन फ्लेम है या जो भी रिश्ता आपका डीप लेवल पे है, तो डेफिनेटली मुझे इस रिश्ते में अगर सेपरेशन है या आपका नए से शुरुआत होने वाली है या कुछ भी, तो वो मोमेंट मुझे नज़र आ रही है। तो और अभी आपके लिए मैं एंजल गाइडेंस निकालना चाहूँगी। लक इज ऑन योर साइड, लक आपकी तरफ है। जैसे मैंने कहा कि पॉसिबिलिटीज़ है कि काफ़ी लोगों के इसमें मूवमेंट होने की स्कोप, एंड न्यू स्टार्ट इज कमिंग। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि जिस तरह से मेरी एनर्जीज मुझे इंट्यूशंस कह रहे हैं ना, कि काफ़ी लोग, काफ़ी रिश्तों में अभी कमिंग सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आने की पूरी संभावना है, लेकिन हर चीज़ वहीं पे आके रुक जाती है कि आप अपने ऊपर इनर वर्क कैसे करते हैं। कि मेरा सिंपल जो फंडा है कि वो लोहा आप मैग्नेट बनने की ज़रूरत, तो ही वो खींचा चले आएंगे। और दूसरा चीज़, पहले तो पूरी होना चाहिए कि वो रिश्ता आपके लिए बना हो तो आना चाहिए, क्योंकि वरना आना जाना लगा रहेगा। क्योंकि मतलब वो आपको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलेगी नहीं, आप धर्मशाला बन के रह जाएंगे। जब भी आओ, जब भी जाओ, खाओ पियो, ऐसा ही
ऐसा रिश्ता सिंपल लैंग्वेज में मैं बताना चाहूँगी, तो मैं चाहती हूँ कि इतना मजबूत और इतना लेवल आपका ऊंचा हो कि ये सब आपके इसमें हो, ये तकलीफ आपको नहीं हो। और देखते हैं कि दूसरे डेस्क से आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। साइंस एंड रिमाइंडर्स, अगर आपको कोई साइंस दिख रहा है जैसे कि बटरफ्लाई दिखना या कुछ ऐसे साइंस, लाइक कि कुछ मतलब एक पर्सन ने मुझे कमेंट करके बोला कि उनको 555 नज़र आ रहा है, तो मैंने उनको रिप्लाई किया था चांसेस है कि आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आने का बहुत स्कोप है, क्योंकि 555 एंजल नंबर पॉजिटिव और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज को रिप्रेजेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ही चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको कोई साइंस या एंजल नंबर दिख रहा है या कुछ भी ऐसा चीज़, तो ज़रूर आप उसके ऊपर ध्यान रखिए। मैं ऐसा नहीं, मैं अंधविश्वास करने के लिए आपको नहीं बोल रही हूँ, आप अपने ऊपर पहले भरोसा करना है। मैं यही कह रही हूँ कि इनर वर्क मतलब क्या है, कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने आप की रिस्पेक्ट करनी है कि मेरा मेरी अपनी भी खुद औकात है, मेरी अपनी भी कोई वैल्यू है। ये पहले पहले आपको पहले डिसाइड करना है, आपको सोचना है कि मैं खुद कुछ हूँ, मैं इसके लिए सब चाहता हूँ, ये पैसा, कामयाबी, रिश्ता या जो भी, क्योंकि मैं इसके काबिल हूँ, ये आपको पहले सोचना है। और अगर आप किसी सवाल का जवाब चाहते हैं तो वो जवाब है यस, यूनिवर्स की तरफ से। तो अगर आप जो भी सवाल है आपके मन में तो उसका जवाब यस है, तो डेफिनेटली आज मतलब आपके लिए तो एंजल गाइडेंस बहुत ही पॉजिटिव निकल गया है। तो प्लीज़ आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, अपने आप के ऊपर बहुत काम कीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसकी वजह से जो रीडिंग जो लोगों तक पहुंच पा रही है उनके लिए बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए तो वह रीडिंग्स काफ़ी लोगों तक पहुँचेंगी, क्योंकि शायद उनके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आना की मतलब चांसेस है, इसके लिए ऐसे रीडिंग्स आ रही है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, और पसंद आई तो लाइक कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।